हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल के टाइम का एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है फॉरेक्स ट्रेडिंग, बिकॉज आप में से काफी सारे लोग स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, और अपनी जो इंडियन मार्केट है वो 9 से 3:30 तक चलती है, ठीक है। तो इस टाइम पे आप या तो अपने कॉलेज रहते हो या तो अपने ऑफिस में रहते हो, तो दैट्स वाई आप जो है ट्रेडिंग नहीं कर पाते हो। तो मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देवांश भाई आप बताओ फॉरेक्स में हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, और एग्जैक्टली फॉरेक्स मार्केट होती कैसे है, वर्क कैसे करती है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सिखाने वाला हूँ कि फॉरेक्स मार्केट होती क्या है, कैसे काम करती है, एग्जैक्टली क्या क्या होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। डिटेल में आप सीख जाओगे, उसके साथ साथ स्ट्रेटेजी एंड ऑल सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस वीडियो में। तो आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होगी, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या और फॉरेक्स ट्रेडिंग में होता क्या है। सो यहाँ पे जो है मेन की पॉइंटर्स पे देखिए, द फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स और एफएक्स मार्केट इज अ ग्लोबल मार्केट प्लेस फॉर एक्सचेंजिंग नेशनल करेंसीज। इससे तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो है आप करेंसीज को ट्रेड करते हो, जो अलग अलग नेशंस की अलग अलग करेंसीज होती हैं उनको एक्सचेंज बाई सेल करके आप जो है ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। लेट्स सपोज यूएस डॉलर्स है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यूएस डॉलर्स ऊपर जाने वाला है तो आप जो है यूएस डॉलर्स को खरीदोगे, क्योंकि आपको लग रहा है ऊपर जाएगा। अगर यूएस डॉलर्स ऊपर जाएगा तो आपकी प्राइस बढ़ेगी और आप प्रॉफिट बनाओगे। लेट्स सपोज आपको लगता है आईएनआर ऊपर जा रहा है, ठीक है, इंडियन रुपीज अगर ऊपर जाने वाली है तो आप आईएनआर को खरीदोगे, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वहां पे जो है आपको मूवमेंट मिलेगा और आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आईएनआर नीचे जाने वाला है तो आप आईएनआर को शॉर्ट भी कर सकते हो। यूएस डॉलर नीचे जाने वाला है आप उसको शॉर्ट भी कर सकते हो, उसको यूएसडी आईएनआर बोलते हैं, ठीक है। उसका सिंबल होता है, हर जगह हर बैंक निफ्टी के सिंबल्स होते हैं, ऐसे इसका भी यूएसडी आईएनआर सिंबल होता है, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक्सएनएस टर्मिनल, जो बिल्कुल फ्री है एक्सएनएस के यूजर्स के लिए। सेट करने के बाद से आपको कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दिखेगा, ट्रेडिंग करना बहुत आसान है। जो भी आपको सेलेक्ट करना हो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, जो भी स्टॉक्स में जिनमें भी ट्रेडिंग करनी है। लेट्स सपोज हमें यहाँ पे XAU USD में ट्रेड अगर करना है तो ये जो है कुछ इस तरीके से चार्ट खुल जाएगा। सिंपली यहाँ से आप कैंडलस्टिक पैटर्न लगा सकते हैं, अलग अलग जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स लगाने तो यहाँ से इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेमो अकाउंट में आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे जहाँ से आप डेमो अकाउंट के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब बिना पैसे के आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब आप चीजें सीख जाएं तो आप रियल मनी से भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आपको ट्रेडिंग करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी चाहिए होगी तो सिंपली आप इंडिकेटर्स के सेक्शन में आइए, आप यहाँ पे मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लिखेंगे EMA, ठीक है, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आएगा, ठीक है, तो इसको लगाइए और यहाँ पे आप इसको सेटिंग में चेंज कर दीजिए। इसकी सेटिंग जो है आप चेंज कर सकते हैं, सेटिंग में आइए और इसकी लेंथ को 5 कर दीजिए। 5 EMA जब भी है, ठीक है, 5 EMA सिंपली करना क्या है कि एग्जैक्टली जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस जाती है, 5 EMA के ऊपर जब भी प्राइस निकलती है तो यहाँ पे ये कैंडल निकली है मूविंग एवरेज के ऊपर, इसके नीचे जब भी कोई अगली कैंडल क्लोज करे आपको वहाँ पे सेल कर देना है, ठीक है। ये सिंपल 5 EMA की स्ट्रेटेजी होती है, सिंपली जब भी यहाँ पे इसके नीचे कैंडल क्लोज करे हमें सेल कर देना है। एग्जैक्टली बाई सेल करना बहुत आसान है, यहाँ पे बगल में प्राइस आपको दिख रही होगी, यहाँ से आप दबाएंगे बाई हो जाएगा, यहाँ से सेल हो जाएगा। तो हम लेट्स सपोज अगर अपने को बाई करना है तो डेमो अकाउंट से हम यहाँ से कन्फर्म बाई कर सकते हैं, और यहाँ देखो हमारा PNL जो है नीचे चलने लगेगा, ठीक है। तो ये इसका बेसिक प्रोसेस है, सिंपली यहां से बाई सेल कर सकते हो, और यहां पे देखो मेरा प्रॉफिट जो है रनिंग में है। तो ये आप चेकआउट कर सकते हो प्लेटफॉर्म, इस तरीके से आप यहां पे ट्रेड कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है तो इससे जो है आप कर सकते हैं। इसके बाद बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वाइड रीच एंड ट्रेड कॉमर्स एंड फाइनेंस फॉरेक्स मार्केट टेंड टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड एसेट मार्केट। ये जो है इसका रीच हर जगह है, इसलिए जो फॉरेक्स मार्केट है ना वो सबसे ज्यादा वन ऑफ द लिक्विड मार्केट है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और जान लो कि मूवमेंट उतना ज्यादा नहीं होता है, ऐसा नहीं कि सेम डे जो है अगर जो डॉलर है वो 82 रुपीज के आसपास चल रहा है, $1 की वैल्यू 82 रुपीज के आसपास चल रही है तो सेम डे 84 पहुंच जाएगी, नहीं। 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे के आसपास मूवमेंट होता है, 10 पैसे 20 पैसे के अराउंड में मूवमेंट होता है, लेकिन स्टेबिलिटी बहुत है, लिक्विडिटी बहुत है, इतना आसान नहीं होता है इसको हिलाना मूव कराना, ठीक है। जब बड़े इवेंट्स होते हैं तभी जो है ये ज़्यादा मूव करते हैं, लेकिन लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है और रिस्क थोड़ा कम रहता है एज कम्पेयर टू जो भी नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स आप ट्रेड करते हो, ठीक है। तीसरी चीज़, करेंसी ट्रेड अगेंस्ट ईच अदर एज एक्सचेंज रेट पेयर्स। ये सारी बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही हैं, लाइक मैंने जो आपको बताया कि अगर आप यूरो ट्रेड कर रहे हो तो यूरो USD होगा, इंडियन रुपीज ट्रेड कर रहे हो तो INR USD होगा, जिसके साथ भी ट्रेड कर रहे हो उसका पेयर वो रहता है, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट एग्जिस्ट एज स्पॉट कैश
एंड डेरिवेटिव्स मार्केट, ऑफरिंग फॉरवर्ड, फ्यूचर ऑप्शन एंड करेंसी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे ये सारी चीज़ें बेसिक कर सकते हो। सब मार्केट पार्टिसिपेंट्स यूज फॉरेक्स एज ए हेजिंग, मतलब ठीक है जैसे आपको आप समझते हो ऑप्शन जैसे आप हेजिंग के लिए यूज़ करते हो, जिनके बड़े पोर्टफोलियो होते हैं वो ऑप्शन को हेजिंग के लिए यूज़ करते हैं, सेम यहाँ पे भी जो है अगर ग्लोबल कुछ रिस्क रहता है, कुछ रेट हाइक वगैरह रहते हैं, तो फॉरेक्स को यहाँ पे जो है एज अ हेजिंग यूज़ करते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आई होप समझ में आई होंगी कि फॉरेक्स मार्केट एग्जैक्टली होती क्या है। सिंपली जो है करेंसीज जहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना है तो उसको बोलेंगे हम फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एग्जैक्टली होती क्या है, कैसे काम करती है। अगर आपको इसके ऊपर और वीडियो चाहिए कि मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग लाइव करके दिखाऊं, डायरेक्टली ट्रेड करके दिखाऊं, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ज़रूर इसके ऊपर मैं कुछ प्लान करूंगा आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और आगे। ठीक है, अगर आज की वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी वैल्यूएबल कॉन्टेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।